दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आज हमारा देश, क्योंकि एक बहुत महामारी के दौर के तरफ से जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोरोना नाम का एक वायरस अटैक पूरे वर्ल्ड पे हो चुका है। इस अटैक से मोस्टली जो मीडिया वाले हैं और जो मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं आजकल लोग, उसने लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत फैला दी है। इस कोरोना से आप लोगों को डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है कि आप लोग सभी मिलके एक अवेयर, जो हम लोग नहीं हैं आज तक, उसको अवेयरनेस को पूरी तरीके से यूज़ कीजिए। क्योंकि ये जो वायरस है, ये आप लोगों को इस तरीके से नहीं मार रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने सोच लिया है कि इसको लग जाएगा उसको लग जाएगा। आप लोग सिर्फ अपनी अवेयरनेस रखिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इतना बड़ा ऑर्डर करा है कि आप एक दिन के लिए तो अपने घर पे रहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से हाथ मिलाने से और छूने से, और ज़्यादातर इसका जो सामना आया है वो आया है कि ये अपने फेस पे आप ज़्यादा हाथ मत लगाइए, आँखों को ज़्यादा मत छूइए। आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा ब्लैक मेल होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारे देशवासियों को ये नहीं करना चाहिए था। और आज के टाइम में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी है, जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब आप लोगों से सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके आप लोग अपने सर्कल में 5, 10, 20, 30 उन लोगों को दीजिए जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, जहाँ से ये चीज़ फैल सकती है। आज हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जाके कुछ लोगों को इसकी सेवा करेंगे। ये इसलिए नहीं मैं वीडियो बना रहा कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, बट आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसको कुछ दिया है भगवान ने, वो थोड़ा सा कुछ निकाल के आज टाइम है एक दूसरे का साथ देने का। तो हम लोग सभी मिलके इसको सारे लोगों को बताएं। जो मोस्टली गाँव वगैरह में लोग रहते हैं वो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हैं, उनको बताइए कि उन्होंने कैसे यूज़ करना है, सैनिटाइज़र मार्केट में कैसे आ रहा है, कैसे वो घर पे अवेयरनेस रह सकते हैं। उसके लिए आप सभी को मिलके चलना पड़ेगा। और इस चीज़ के मैं दोबारा ये मैसेज कह रहा हूँ कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि मार्केट के अंदर और वर्ल्ड वाइड जो डेली की मौत है वो कितनी होती हैं, इंडिया के अंदर ही 3500 मौत होती हैं जो कैलकुलेशन आती है डेली की एक्सीडेंटल की वजह से, और मलेरिया की वजह से 4500 लोग मर जाते हैं। तो कोरोना भी इतना क्यों फैला दिया गया है? अगर उन चीज़ों को भी अब मल्टीमीडिया ने हाईलाइट करता तो अब तक तो पूरा वर्ल्ड मर जाता। सिर्फ आप लोग इस चीज़ को अवेयरनेस कीजिए कि किस चीज़ से फैल रहा है और किस चीज़ की हमें आज के टाइम में सिक्योरिटी है। तो मैं आपको यही विनती करता हूँ कि आप सभी मिलके इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रहिए, लोगों की अफवाहों के बारे में मत सोचिए। लोगों की अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं मल्टीमीडिया पर, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ ले लीजिए, कभी कुछ ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा अवेयरनेस रहिए, अपने आप को सफाई में रखिए, अपने वातावरण को सफाई में रखिए, इन्वायरमेंट के अंदर जीना सीखिए, और रेगुलर इस चीज़ों को यूज़ करना सीखिए, और जिनको नहीं है उनकी हेल्प कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप सभी मिलके इसके बारे में सोचें और अवेयरनेस लें। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत सिंह मेरा नाम है, क्योंकि मैं KB मैनेजमेंट OCC ही अम्बाला से MD हूँ। थैंक यू दोस्तों।